आप तो शादी किए अपने स्वेच्छा से किए हैं, क्यों किए हैं शादी? क्या मामला था, पूरा मामला क्या था? जोर से बोलिए। कितना दिन से प्यार था? दो साल से। आप इसके पहले कंप्लेन भी की थी थाना में जी? क्या मामला आया था उसमें? कंप्लेन में क्या बोला गया? फिर शादी कैसे हुआ? शादी जो हुई है आपके माता पिता और लड़के के माता पिता की सहमति से हुई है कि अपने आप की है? दोनों पक्ष माता पिता हुए थे। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर दिख रही है जिसमें एक शादी हो रही है, ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा है ये वीडियो बिहार का है, जहां पर एक लड़की एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो लड़के ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इससे पहले की भी कहानी है जिसे हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दरअसल बिहार के एक गाँव श्रीरामपुर के रहने वाले हैं मोतीरा। इनकी बेटी सलीका कुमारी पास के ही एक गाँव के लड़के से प्यार करती थी। एक दिन लड़की के घर वालों ने लड़के के साथ उसे देख लिया, जिसके बाद उन्होंने घोर आपत्ति जताई। इसके बाद लड़की को उन्होंने उस लड़के से मिलने से मना भी किया, साथ ही पुलिस में केस भी दर्ज करवा दिया और लड़के की पिटाई भी की। लेकिन लड़का लड़की बिना माँ बाप की परवाह किए एक दूसरे से मिलते रहे, दोनों का प्यार परवान चढ़ता रहा। इसके बाद लड़की यानी कि सारिका कुमारी प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद उसने अपने प्रेमी से शादी करने की बात कही, लेकिन लड़का मुकर गया। प्यार के सारे वादे सारी कस्में उसने ठुकरा दी और उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। लड़की अपना टूटा हुआ दिल और प्रेगनेंसी की खबर अपने घर वालों को सुनाई। घर वालों को जब ये बात पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने पहले सालिका को मना कर रखा था कि वो उस लड़के से ना मिले। लेकिन फिर भी सालिका लगातार अपने प्रेमी से मिलती रही, ना सिर्फ मिलती रही बल्कि उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। लेकिन प्रेमी ने धोखा दे दिया और अपनी प्रेमिका से शादी करने से इनकार कर दिया। सालिका की हालत माँ बाप से देखी नहीं गई। बेटी के भविष्य की चिंता को देखते हुए लड़की वाले प्रेमी के घर पहुंचे और लड़के के माँ बाप से बात की, लेकिन लड़के के घर वालों ने भी लड़की को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। लड़के की इस हरकत पे लड़की के घर वालों को खूब ऐतराज हुआ, काफी गुस्से में भी आए वो, लेकिन लड़की की हालत देख कर वो चुप रहे। लेकिन इनकी चुप्पी लड़की पर भारी पड़ने वाली थी, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने फैसला किया कि वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। फौरन उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस वालों ने लड़के को पुलिस थाने बुला लिया। लड़की के घर वालों को भी बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस वालों ने वो किया जिसकी कल्पना तो लड़के ने कभी नहीं की होगी। पुलिस ने बहुत कोशिश की कि दोनों परिवारों में सुलह हो जाए और लड़का और लड़की दोनों शादी कर लें, लेकिन लड़का अपनी जिद पर अड़ा रहा और वो लड़की से लगातार शादी करने से इनकार करता रहा। इसके बाद पुलिस सख्त हुई और दोनों परिवारों की रजामंदी से लड़का और लड़की की शादी करवा दी। सोशल मीडिया पर लड़का और लड़की की शादी वाला ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन के अंदर ही लड़की की शादी लड़के से करवा दी। इस लड़के का नाम है अभय। ये वही अभय है जिसने शादी से पहले लड़की से प्यार किया और उसे प्रेग्नेंट करने के बाद शादी से इनकार करने लगा। लेकिन ना तो पुलिस वाले माने और ना ही लड़की के घर वाले, दोनों ने ही मिलकर जबरदस्ती लड़की के साथ लड़के की शादी करवा दी। हालांकि अब इनकी शादी हो गई है, गांव के कई लोग वहां पर मौजूद रहे। इस तरह थाने के अंदर जबरदस्ती हो रही शादी की बात सुनकर गांव वाले वहां पर भारी भीड़ लेकर जुट गए। कई और लोगों की मौजूदगी रही, जिसके बाद पुलिस ने गांव वालों और आसपास के लोगों की मौजूदगी में ही लड़का और लड़की दोनों की शादी करवा दी, जिसके बाद बिहार का ये मामला काफी सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि बिहार में इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर लड़के वालों ने लड़की से शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस आगे आई और पुलिस स्टेशन के अंदर ही लड़की की शादी लड़के से करवाई गई। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। फिलहाल तो इस मामले के सामने आने के बाद लोग परसा थाने की पुलिस की जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये शादी जबरदस्ती हुई है। ऐसे में देखना ये है कि सालिका की शादी कब तक टिकती है, क्योंकि लड़का शादी से पहले लड़की से शादी करने से लगातार इनकार कर रहा था, जबकि वो उससे प्यार भी करता था, लेकिन फिर भी वो लड़की को अपनाने से लगातार इनकार कर रहा था। अब देखना ये है कि इनकी शादी कब तक चल पाती है और पुलिस फिलहाल इस मामले पर बोलने से बच रही है, क्योंकि अब इनकी शादी हो चुकी है और इनको घर भेज दिया गया है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।